हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरी चैनल अंकिता इलाहाबादी रियल लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं नवरात्रि की कुछ टिप्स लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि नवरात्रि के एक दिन पहले हम अपनी अगर कुछ प्रिपरेशंस कर लें तो वो हमारे लिए उस दिन के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है, मैं कुछ स्वीट डिश जैसे कि हमें खोए के लड्डू बना के रख लूँगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग अब की बार 9 दिन का व्रत रहेंगे, तो खोए के लड्डू बनाने से ये इजी हो जाएगा कि पहली चीज़ तो घर की रहेगी, और अगर कुछ भी मीठा नहीं होता है तो एक घर की हाथ की चीज़ बनी होती है तो हम इजीली खा भी सकते हैं और कोई टेंशन नहीं होती है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बनती ही हैं व्रत में, तो यहाँ पर मैं लड्डू बना रही हूँ। ये फटाफट बन जाता है बिल्कुल ईजिली, बहुत ही ईजी तरीके से देख सकते हैं आप। आज मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे बतानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी अलग से रेसिपी बताऊँ आपको, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूँगी। और सेकंड टिप है यहाँ पे हमारी कि जैसे कि हम लोग जो भी पहनना होता है सेकेंडरी, तो हौच पौच बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली साड़ी पहनने में मेरे साथ हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है अपनी साड़ी को एक दिन पहले ही अच्छे से प्रेस करके और उसके पल्लू को भी अच्छे से प्रेस करके, ताकि मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाए नवरात्रि के पहले दिन पहनना, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं नवरात्रि के दिन, पूजा करनी रहती है और फिर उसके साथ साथ जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है, तो उनके लिए भी पैक करके उनको टिफ़िन देना और फिर पूजा हवन सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए मैं कुछ प्रिपरेशंस पहले से ही कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी सारे टिप्स को शेयर करूँ ताकि आपके लिए भी ये यूज़फुल हो सके आई थिंक। और यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी को भी प्रेस करके रख लिया है जो कि मुझे नवरात्रि के पहले दिन पहननी है। और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने साड़ी के पल्लू को जो है पहले से ही प्रेस करके और उसे अच्छे से तह लगा के बिल्कुल रख दिया है। तो इस तरीके से कभी भी हम अगर कहीं जाते हैं तो भी हम अपनी साड़ी को प्रिपेयर करके रख सकते हैं। और थर्ड टिप है यहाँ पे हमारा, जो भी मुझे नवरात्रि के 9 दिन जितने भी मसाले और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैंने एक जगह ही अपने एक डिब्बे में, छोटे छोटे डिब्बों में करके रख लिए हैं ताकि मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाए। और उसके बाद मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था, तो ये मेरा चौथा टिप है जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि कैसे थोड़े बहुत फ्रिज में हम स्पेस कर सकते हैं ताकि 9 दिनों में जो साफ और सारी चीज़ें मुझे रखनी होंगी तो मैं इजीली इसमें रख सकती हूँ। और थोड़ी सी सफाई भी मैं कर लूँगी, ज़्यादा वक्त नहीं दूँगी इसमें क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं आज मुझे एक दिन पहले, तो थोड़ा सा इसमें जगह बना लूँगी ताकि जो फूल माला है और जो जितने भी व्रत वगैरह के सामान है तो वो मैं इजीली बगैर दिक्कत के इसमें रख सकूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें अगर हमें प्रॉपर वे में और प्रॉपरली सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर पहले से ही मिलती हैं। थोड़ी सी मेहनत का काम होता है, लेकिन जिस दिन फिर हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और तो मेरे हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। और यहाँ पे मैं अपने जो वेजिटेबल्स बकेट है उसको भी थोड़ा सा क्लीन करके रख लूँगी। इस तरीके से कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे अगर आप पहले से ही एक दिन पहले से प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए भी और सबके लिए बहुत ही इजी होता है। और यहाँ पे मेरी फ्रिज में देखिए कितना स्पेस थोड़ा खाली हो गया है। और सबसे मेन और लास्ट टिप ये है कि आप हमेशा अपने किचन को रात में ही क्लीन करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने किचन को क्लीन करके और जो ये फ्रूट्स वगैरह सब लेके एक दिन पहले ही आ गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह उन्हें ऑफिस जाना होता है तो बहुत हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए कि उन्हें ऑफिस भी जाना है और फिर रात्रि के दोनों में सुबह पूजा करनी है सारी चीज़ें, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आधी प्रिपरेशंस जो है मैं रात को ही करके रखूँ ताकि बस सुबह मुझे उठना हो और बस पूजा हम लोग कर लें। और इस तरीके से ये छोटे छोटे टिप्स थे जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं कि अगर हम पहले से कर लेते हैं तो अच्छा रहता है हमारे साथ।
तो बस मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे तो इसे शेयर कीजिए। तो आज की नवरात्रि की पहली रात जो शुरू होने वाली वो आपके लिए बहुत ही सुखद हो, और कल की नवरात्रि के लिए सबको बहुत बहुत शारदीय नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड नमस्ते गाइस।